जीवन में ना माँ बाप का महत्व होना उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, जैसे कि हम हैं, हमारे बचपन में ही चले गए थे और उनकी कमी जो है ना पूरी ज़िंदगी हमें खलती है कि कैसे उनकी कमी पूरी की जाए। तो ससुराल में संजोग से सास ससुर दोनों ही माँ बाप की छवि मिली और घर में ना बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ही मतलब भाग्य की बात है। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो कहेंगे आप लोग कि सुबह सुबह क्या ये बात हो रही है, और गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ ना कि मेरी सासू माँ जो हैं कल शाम को चली गई और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हो रहा है और एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। घर ना खाली खाली सा लग रहा था, साथ में देवा गया उनको छोड़ने के लिए अपने पापा के साथ, इस वजह से और भी ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहा है घर खाली। और मम्मी गई हैं तो उस वजह से तो सूनापन लग ही रहा है। सास होती है ना तो भले वो बैठी रहें पर लगता है कि घर में कोई है, ये चीज़ मुझे फील हुआ। और सच में मम्मी का और मेरा रिश्ता कुछ अनोखा ही है, बहुत अच्छी हैं वो तो। और यहाँ पे ना सास बहू को दोनों तालमेल से ही रिश्ते चलते हैं। पता नहीं कैसी सास होती हैं जो बहू को नहीं पसंद करती, और पता नहीं कैसी वो बहू होती है जो सास की नहीं सास को नहीं पसंद करती। सास या जिस दिन सास को माँ समझ लिया जाए ना, उस दिन जो है सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं रिश्ते में, मुझे ऐसे लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए, सुबह का काम हो रहा है, मन तो दुखी है ही लेकिन काम तो करना ही है। तो हो गया था तो इन चार दिन ये सब साफ सफाई किए हुए, और हफ्ते में दो बार मैं ना ये सब सामान हटा के जो है पोछ लेती हूँ, क्योंकि वाइट है ना तो इस पे धूल पता चलता है, और यहाँ ना धूल पता चलता है बहुत जल्दी। धूल बहुत आती है, देखने में ना लगता है कि धूल नहीं आती है लेकिन धूल बहुत आती है। तो यहाँ नीचे ना इसके जो है इतना गंदा पड़ा था यहाँ नीचे कि मतलब क्या बताएं। तो ये सब मैं झाड़ी, साथ ही में ये जो मिरर है ना इसको भी मैं झाड़ लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे एक मिरर नीचे भी लगा होता है लेकिन मैंने ना निकलवा दिया, उसको निकलवा के रख दिया है ताकि मेरा ना सिंक के एरिया के पास जो है थोड़ा हाथ वाथ धोने के लिए सही हो जाए। तो सिंक वाला उसको नहीं पता ना कि मम्मी आएंगी नहीं, रो रहा था ना कि अम्मा आ जाएंगी, गया कि मैं केक कटवा दूंगा वहाँ, लड़की का बर्थडे है। अच्छा, हाँ। अम्मा को लेके आ जाओ, ये बोल के 6 महीने अम्मा वहाँ रहेंगी, 6 महीने यहाँ रहेंगी। तो करे मेरा बचपन से अम्मा कहाँ थी, 6 साल वहाँ रही है, अब 6 साल यहाँ रही है। तो जी यहाँ पे अब मेरे हाउस हेल्पर से बात हो रहा था देवा के बारे में। देवा को नहीं पता था कि उसकी अम्मा जो है अब नहीं आएंगी, जाएंगी तो वो सोच रहा था कि जाएंगी और वहाँ पे देवर की बेटी का बर्थडे मना के चली आएंगी, पर उसको नहीं पता है जब वो आज आएगा शाम को निकलेगा तब रोएगा बहुत ज़्यादा। तो वही मैं उसको बता रही थी कि उसको नहीं पता है। और यहाँ पे बेडरूम में मैं और शांतनु सो रखे थे ना, तो देखिए टेडी वगैरह सारा लेके शांतनु सोया था, क्योंकि दोनों भाई एक साथ सोते हैं ना तो एक दूसरे के साथ सोते हैं तो आदत हो गई है। तो यहाँ पे उसकी टेडी लेके सोया था ये। और चाहे मतलब हमारे घर में क्या है ना, मैं भाइयों को मतलब दोनों को सिखाती हूँ कि बेटा कभी भी ना मतलब प्रेम से रहा करो। देखो लड़ाई तो सब में होती है, ऐसे ही हम लोग ना दादी और पोते का ना कभी वो नहीं करते, हमेशा सिखाते हैं कि अम्मा से ऐसे करो वैसे करो। तो बच्चे वैसे ही चीज़ें सीखते हैं फिर जो घर में देखते हैं। और यहाँ पे जो है सुबह की साफ़ सफाई चल रही है उस पूरे घर में ना मेरा, मतलब डेली तो नहीं लेकिन जब बच्चा रहता है ना देवा तो ज़्यादा करता है, ये सब उतार उतार के रख देता है, जो कि मैं जगह पे उन्हीं सब चीज़ों को सेट कर रही थी और उनके टॉय सेक्शन में जो भी सामान रहता है उसको रख देती हूँ। और ये सब ना सुबह में कर लो तो फिर एक बार शाम में करना पड़ता है। और ये देखिए ये होता है बड़े बुजुर्गों का काम। मम्मी ना कपड़ा तह करके चली गई थी कल की, तो आज सुबह में जो है मैं इनको अपनी जगह पे लगा दूंगी। और देखिए और कुछ नहीं लेकिन मम्मी कपड़े वगैरह तह कर देती थी तो काफ़ी हेल्प हो जाता था, जो कि अब मिस करूंगी मैं इस चीज़ को। और मतलब सच में बहुत ज़्यादा मन दुखी हुआ मम्मी के जाने से। तो चलिए ये तो चलता रहता है, उनका परिवार है वहाँ भी यहाँ भी, तो सबके साथ वो रहेंगी और फिर मैं बुला लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी सोती थी, अब ये जगह एकदम खाली खाली, नहीं तो मम्मी यहाँ दिन भर रहती थी ना तो उजड़ा पुजड़ा सा रहता था पूरे दिन इधर उधर, मतलब बच्चे भी इसी में रहते थे ना, उनके साथ खेलते रहते थे तो ये सब इधर उधर रहता था। लेकिन अभी क्या है, अब शांतनु इसमें रहेंगे नहीं तो मतलब ऐसे ही जहाँ रखूँगी सामान वहीं रहेगा।
और कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त थी तो उनको सब ठीक कर दूंगी। ये मम्मी क्या यहाँ पे कपड़ा वगैरह रखी थी, अलमीरा भी दोनों ये खाली हो गया था, उनकी साड़ियाँ वगैरह यहाँ पे थी। तो अभी मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा के पूजा करने। ये भी मम्मी का काम था, डेली ही मम्मी करती थी, लेकिन अब ये मेरे मतलब आ गया। बड़े बुजुर्गों का इसीलिए होना जीवन में ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं नहा के और भगवान जी के पास पोछा लगाती हूँ। झाड़ू पोछा जैसे मैंने बताया था कि वहाँ का हिस्सा हम छुड़वा देते हैं, वहाँ हम ही करते हैं। हम डेली वाले पोछे से भगवान जी के पास पोछा नहीं लगाते, एक अलग से साफ़ कपड़ा रखे हैं उसी से पोछते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले लिए हैं हम भगवान जी के बर्तन और धो रहे हैं। थोड़ा सा नींबू से रगड़ दो ना तो बर्तन एकदम देखिए साफ़ साफ रहता है। और उसके बाद कर लेते हैं भगवान जी की आरती, क्योंकि अब डेली मुझे पूजा करना होगा। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने किया अपना हुलिया ठीक, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना नहा धो के, थोड़ा सा मतलब बाल वाल बना लो, कपड़े वगैरह पहन लो तो अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह काटी नाश्ता करने के बाद, और आज कुछ मन भी नहीं कर रहा था, कोई नहीं था ना तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो नाश्ता भी मैंने ऐसे हल्का फुल्का कर लिया। शांतनु गए हैं स्कूल और अब उनको लेने जाने का टाइम है, तो मैं जाऊँगी जब टाइम होगा। तो मेरे पास अभी टाइम था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा चावल और आलू और क्या बोलते हैं उसको, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाई हूँ, और उसके बाद करेली की भुजिया बनाई हूँ। तो यहाँ पे आज का हमारा जो है लंच यही रहेगा। तो ये हमारी सब्जी बन गई है, चावल और आटा गूंथ लूँगी, साथ के साथ मैं यहाँ पे बर्तन भी लगा लूँगी। अच्छा, मैं जब किचन में आती हूँ ना तो मेरा खाना एकदम फटाफट आधे घंटे में बन जाता है, चाहे कितना भी हो, एक घंटा लगता है मुश्किल से। काफ़ी लोगों का खाना हो तब, अगर दो से एक दो लोगों का है तो आधे घंटे में बन जाता है। बस तैयारियाँ आप करके रखो, गैस का चूल्हा जैसे तीन है ना, तो तीनों पर अगर आप तैयारी करके रखो ना तो फटाफट खाना बन जाता है, मुझे ऐसे लगता है। सब्जी वगैरह साथ में सारी चीज़ें एक साथ रख लो, बस तीन एक साथ में ही खाना बन जाएगा। इधर मैं आई फ्रीज में कुछ करने, तो थोड़ा सा ना बच्चे हाथ वाथ लगा देते हैं, जैसे बच्चे हैं ना तो दाग दाग सा दिख जाता है ना कुछ ऐसे, तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ फ्रीज से फटाफट का, साफ़ कपड़ा एक लेती हूँ और हाथों हाथ मारती जाती हूँ। बाकी तो फ्रीज वगैरह की तो आप लोग देख ही रहे हैं कितनी घनघोर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पूरा पानी भर गया हमारे आगे इतना सारा। लेकिन मौसम बहुत सुंदर हो गया, पौधे भी हरे भरे से खिलखिला रहे हैं। और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं आज ये वाली अलमीरा ठीक कर लूँगी, काफ़ी दिन हो गया ना ऐसे ही कपड़े वगैरह। अब त्यौहार आ रहे हैं तो इधर उधर ब्लाउज वगैरह भी दबे रहते हैं तो उनको निकाल लूँगी। तो आज ये वाले बैग जो है ना साड़ी वड़ी रखने के लिए या ब्लाउज रखने के लिए बहुत ही अच्छा, इकट्ठे ना इसमें रखा जाता है। तो ऐसे मैंने 6 मंगवाए हैं जिसमें कि साड़ियाँ रखती हूँ और काफ़ी अच्छे से वो साड़ियाँ इसमें आ जाते हैं, कहीं भी रखिए ना तो अच्छे से मिल भी जाते हैं। और कपड़े देखिए कितने सारे निकले हैं, और उसके बाद सारा मैंने लगा दिया और ठीक से मतलब जैसे जगह खाली इतना स्पेस भी मिल गया हमें लगने के बाद जो है। अलमीरा का काम हो गया और इस रूम का काम हो गया, एक वाली अलमीरा बच गई है। और आज मौसम ठंडा था ना तो काम करने में भी मज़ा आया। खाना मेरा पूरा बन गया है और मैं अभी खाली हो गई हूँ। टाइम अभी 10 मिनट आगे है, अभी हो रहा है 1:15। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है जो कि मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ। शांतनु की छुट्टी होती है 1:45 पे, तो निकलेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। और आके ही मैं रोटी बनाती हूँ, और मम्मी उम्मी चली गई हैं और देवा भी नहीं है। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे आज, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी थी ना तो ये लग रहा था कि उस भले उस कमरे में थी तो लगता था कि है, इसीलिए बड़े बुजुर्गों का होना भी बहुत एक जीवन में ना अच्छा है। और मम्मी के होने से लगता था कि भले बात करो या ना करो, उधर रहती थी तो लगता था कि चलो कोई तो है घर में। अभी भाई सो रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि घर में कोई है, और मुझे वही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैंने अलमीरा ठीक किया, और उसके बाद अब मैं एक अलमीरा रह गया उसको भी किसी दिन ठीक कर दूँगी। और मैं ना गर्म ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना 4 की वजह ना 2 ही खाते हैं ठंडी रोटी। अब देखिएगा गर्म रोटी खिला के, गर्म रोटी लोग ज़्यादा खा लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यार बच्चा सुबह से इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई ये वो, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, तो मतलब मैं उसको गर्म ही देती हूँ। तो लेने जाऊँगी अभी शांतनु को, और आने के बाद ही मेरी रोटी वगैरह बनती है। और
आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ना हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की और अच्छा भी लगता है हम लोगों को। तो